क्वेश्चन सिक्स, एक्सप्लेन एनी थ्री टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्से, और व्हाई वॉज द ट्रीटी ऑफ वर्से टर्म्ड एज हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग टू द पीपल ऑफ जर्मनी, एक्सप्लेन एनी थ्री रीजन्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जो एलाइज के साथ जर्मनी की पीस ट्रीटी थी वो बहुत ही हार्श थी और साथ में जर्मनी के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थी, यानी कि बहुत ही शर्मनाक थी। सबसे पहले तो जर्मनी की जो ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी वो उनसे ले ली गई थी, जैसे कि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी बहुत समय तक, वैसे ही जर्मनी की भी बहुत सारी कॉलोनीज़ थी। उसके साथ अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी कि 1/10 ऑफ जर्मन पॉपुलेशन जो थी वो वॉर की वजह से और इन सारी चीज़ों में ख़त्म हो गई थी। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज इन यूरोप, जर्मनी की जो बाकी के यूरोप में थोड़ी थोड़ी टेरिटरीज थी, यानी कि कुछ लैंड का हिस्सा था जो कि उनका था, वो उसका भी 13% ख़त्म हो गया था। साथ ही साथ इनके जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज थे, जैसे कि आयरन ओर जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है, और कोल, उसका 75% और 26% रिस्पेक्टिवली फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुएनिया ने ले लिया था पीस ट्रीटी के बाद। साथ ही साथ जर्मनी की जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज थे, जैसे कि 75% ऑफ इट्स आयरन ओर एंड 26% ऑफ इट्स कोल, ये सब जो थे ये फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुएनिया ने उनसे ले लिए थे। जर्मनी जो कि पहले काफ़ी स्ट्रांग होता था, इट वाज़ अ माइटी एम्पायर, उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया था, यानी कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ जो थी वो वीकन कर दी गई थी, जिससे कि उसकी ताकत कम हो जाए। आर्मी और नेवी पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, यानी कि कुछ रोक टोक लगा दी गई थी, और एयरफोर्स पर कंप्लीट बैन कर दिया गया था। तो पीस ट्रीटी के अंडर जो वॉर गिल्ट क्लॉज था, क्लॉज यानी कि एक आर्टिकल या फिर एक सेपरेट हिस्सा, इसने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया वॉर के लिए और जो भी उसे डैमेजेस हुए हैं उसके लिए। जर्मनी को कॉम्पनसेशन में यानी कि हर्जाने में 6 बिलियन यूरो देने थे, 6 बिलियन यानी कि 600 करोड़। ये सारी चीज़ें जो हैं इसने हिटलर को अपॉर्चुनिटी दी कि वो पावर में आए, क्योंकि इस समय पे जो हालात थे वो बहुत ख़राब थे, लोग जो थे उनका विश्वास नहीं था अपनी कंट्री पर, अपनी गवर्नमेंट पर, और ये सब जो है इन सारी वीकनेसेस की वजह से हिटलर जो है वो पावर में आ पाया। बहुत सारे जर्मन लोग जो थे वो मानते थे कि वेमार रिपब्लिक, उनके जितने भी कष्ट या फिर हार्डशिप जितने भी उन्हें उठानी पड़ी उसके लिए, और वारसे में जो उनके उनको शर्मिंदगी हुई, जर्मनी को जो शर्मिंदगी हुई उसके लिए वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल है। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से और पीस ट्रीटी के बहुत सारे सेक्शंस की वजह से नाजी जर्मनी जो है उसकी शुरुआत हुई और आगे जाकर उसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। एक और तरह से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव अ डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन यूरोप, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो सोल्जर्स जो थे जो कि ये सारी लड़ाइयाँ लड़ते थे, उन लोगों को आम आदमी जो है वो काफ़ी ऊंचा दर्जा देने लगे, क्योंकि ये लड़ाई का समय था। तो पॉलिटिशियंस और पब्लिसिस्ट जो थे वो सब दबाव डालते थे लोगों को, स्पेशली आदमियों को, अग्रेसिव होने के लिए यानी कि गुस्सैल होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए यानी कि ताकतवर होने के लिए, और मैस्कुलिन जैसे कि मर्दानगी कहते हैं ना, वो होने के लिए। इसके साथ मीडिया ने ग्लोरीफाई किया ट्रेंच लाइफ को, यानी कि बढ़ावा दिया ट्रेंच लाइफ को। अब ट्रेंचेस क्या होते हैं? ट्रेंचेस जो थे वो कुछ इस तरह के दिखते थे, ज़मीन में गड्ढे खोदे जाते थे और आगे एक थोड़ी सी दीवार जैसी बना दी जाती थी मिट्टी से ही, और उनके पीछे छुपकर लड़ाई करी जाती थी। तो इस ऐसी ज़िंदगी को, लड़ाई की ज़िंदगी को मीडिया जो है वो ग्लोरीफाई करने लगी। इस समय पर काफ़ी वॉर प्रोपेगेंडा था, यानी कि लोग वॉर से काफ़ी प्रभावित हो रहे थे, और नेशनल ऑनर जो है यानी कि एक देशभक्ति या फिर देश प्रेम की भावना जो है, ये दोनों चीज़ें सेंटर स्टेज पर थी, यानी कि इसे बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही थी पब्लिक स्फीयर में,
पब्लिक स्फीयर हो गया, जैसे कि मीडिया जो कि सब लोग कंज्यूम करते हैं, फिर जब लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो इस समय की बहुत सारे टॉपिक जो थे वो इन्हीं दो चीज़ों पर फोकस थे। अगला आइडिया था कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही फ्रैजाइल है, यानी कि बहुत ही नाजुक है, और इनस्टेबल यूरोप में जहाँ पर इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वहाँ पर वो जी नहीं पाएगी, एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी।